माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 20 दिन से हमारा संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे मिलने के लिए राजस्थान में दर्जनों आंदोलन किए, दर्जनों बार ज्ञापन दिया सीएमओ में, सीएमआर में हमने मांग की, मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई गई, हमारी बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों और मंत्रियों को चक्कर काटे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। और जब हमने आंदोलन किया, एक नहीं 4 मुकदमे दर्ज करके आंदोलन पर रोक लगा दी गई। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने चेतावनी दी कि हम गुजरात जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं जाएगी, ना आपसे मुलाकात हो पाई। हमें परेशान होकर हमें गुजरात आना पड़ा और हम 20 दिन से संघर्ष करें, और इस दौरान हमें 2 बार जेल में जाना पड़ा, सड़कों पर सोए, 150 किलोमीटर दांडी यात्रा निकाली, भूखे रहे, बरसात में भीगे। हमने संघर्ष किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, वो गांधीवादी विचारधारा है, वो जागेंगे और बच्चों को न्याय देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपसे हमारे एक साथी ने मुलाकात भी की, पुकार भी की, लेकिन न्याय नहीं मिला। एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़कर हम निवेदन कर रहे हैं, आज 20वां दिन संघर्ष का है। 20 दिन क्या, 20 महीने हमें संघर्ष करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। न्याय मांगना, आवाज उठाना क्या हमारा गुनाह है? जब हमने आवाज उठाई तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भिखारी, एजेंट, ठेकेदार, पता नहीं क्या क्या कहकर युवाओं का अपमान किया। आज दीपावली के बहुत कम दिन है, पिछली दीपावली और दशहरा भी वही संघर्ष के मैदान शहीद स्मारक पर हमने मनाया। इस बार भी हमारे माँ बाप परिवार से दूर है, बेटियां सड़कों पर है, यहाँ हम फिर से काली दिवाली मनाने के लिए मजबूर है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लगातार युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बजट लाने की बात कर रहे हैं, आप युवाओं की सुनिए, उनकी पुकार सुनिए, उनको न्याय दीजिए। बड़ी आशा के साथ आपसे अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हमें इस बार भी काली दिवाली हमारे परिवार से दूर ना रहकर हमारी खुशियों की दिवाली बनाने का आप आदेश करिए। आप युवाओं को बुलाइए, उनकी वार्ता करिए, उनकी समस्या हल करिए। हमारी कोई भी कांग्रेस से आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उन मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं जिनके लिए लिखित समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, मंत्रियों का समझौता हुआ, और मंत्रियों के घर पर हमने धरना प्रदर्शन के आंदोलन में समझौता हुआ। यदि वो मांगे पूरी होती है, वो मांगे सही है, और हम तो ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसी मंत्री को भेजिए, किसी प्रवक्ता को भेजिए, आप किसी डिबेट करवाइए। यदि हमारी गुजरात आने का गलत कारण है, हम जबरदस्ती आए, हमारी मांगे गैरवाजिब है, तो हम उन लोगों को चाहे आप जेल में डाल दीजिए, हम 2 मिनट में आंदोलन खत्म करके आ जाएंगे। हम मजबूरी में आए थे, हमारी मांगे जायज है, और हमने समझा आप गांधीवादी और अभिभावक जरूर सुनेंगे। तो आपसे पूरा निवेदन है, न्याय दीजिए, पुकार सुनिए। ये दीपावली एक बार फिर हम सबकी काली दिवाली बनाने हम जा रहे हैं, गुजरात में रहेंगे, लेकिन राजस्थान जब तक नहीं लौटेंगे, जब तक आप बुलाकर समस्या का निस्तारण नहीं कर देते, हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।